गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने 7 मिनट कल कर लिए थे। ये तो मैंने कहा था इसकी कैलकुलेशन कर लेना, इसका जो आंसर है वो आएगा 2.777 × 10⁻³ जूल। 8 मिनट कल है, एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ताप 300 केल्विन। तो ये आप क्यूरी ताप दे रखा है, तो टी कैपिटल टी के द्वारा हम व्यक्त करते हैं, तो टी वन दे रखा है, ठीक है। यदि 450 केल्विन ताप पर, ये टी टू हो गया, दो ताप है तो टी वन और टी टू, ठीक है। ताप पर चुंबक की प्रवृत्ति 0.6 है, तो यहाँ पर ये क्यूरी ताप दे रखा है, तो इसको अपन टी सी लिख सकते हैं और ये टी हो जाएगा। तो टी सी बराबर 300 और टी बराबर 450 पर चुंबक की प्रवृत्ति मान कितना है, काई, इसको बोलेंगे काई 0.6। तो सी का मान ज्ञात करना है, सीधा फॉर्मूला हमारे पास है, काई ये क्यूरी वाइज का नियम अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। ये सी क्या है, क्यूरी नियतांक। तो काई एम बराबर आई मैक्सिमम बराबर सी बटा टी माइनस टी सी। तो यहाँ से सी का मान पता करना है, तो इसका ट्रांसफर कर दो इधर और मान दे रखे हैं तीनों के मान लगा दो, सीधा सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। एक अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना, उसके लिए हमें करना है, तो ये फॉर्मूला हमें लगाना होगा। 120 केल्विन पर चुंबक की प्रवृत्ति 0.60 है, तो टी वन बराबर 120 केल्विन और आई वन बराबर हो जाएगा 0.60। पदार्थ के लिए 27 डिग्री सेल्सियस, देखिए यहाँ पर ये तो दे रखा है केल्विन में और ये दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आपको केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 हम जोड़ देंगे, तो 27 प्लस क्या आ जाएगा 273, तो इसका जो टेम्परेचर आ जाएगा वो आ जाएगा 300 केल्विन। तो टी वन हमें दे रखा है 120, टी टू आ जाएगा 300 केल्विन। इस पर चुंबक की प्रवृत्ति ज्ञात करनी है, कहने का मतलब है टी वन टी टू और काई एम वन और काई एम टू, ये हमें इसका सूत्र में लेना है, अनुचुंबक के पदार्थ के लिए है, तो सीधा फॉर्मूला है इसका भी, काई एम वन बराबर सी बटे टी एम, जो ताप है उसके वितरण अनुपाति होता है चुंबक की प्रवृत्ति, तो ये सीधा सीधा सूत्र है। तो ये वन पोजिशन के लिए, टू पोजिशन के लिए, दोनों का भाग लगा देंगे तो सी से सी कट जाएगा, टी टू पलट कर ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ इसमें इसमें इसका भाग लगाया तो टी वन ऊपर आ जाएगा, तो काई एम टू बटे काई एम वन बराबर टी वन बटे टी टू, ठीक है। इस वाले में इस वाले का भाग लगाया हुआ है, आगे समझ में। ये कोई जरूरी नहीं है कि सेकंड वाले में फर्स्ट वाले का ही लगाना है, फर्स्ट वाले में भी सेकंड वाले का लगा सकते हो, लेकिन हमें मान किसका निकालना है, इसका निकालना है। चुंबक की प्रवृत्ति सेकंड का मान निकालना है, तो इसको अपन ऊपर रख लेंगे, जिससे क्रॉस गुणा करने में हमें परेशानी नहीं होगी। तो इस आई एम वन को हम ऊपर ले जाएंगे, अब सबके मान लगा दो, टी वन कितना 120, टी टू 300 और आई वन कितना दे रखा है 0.6, वैल्यू लगा दी सबकी, इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला है, सीधा सीधा आपके कैलकुलेशन है और मान ज्ञात करना है। 10वां न्यूमेरिकल, 4 cm² अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, तो हमें इसमें 10⁻⁴ का हम गुणा कर देंगे। 10³ एम्पियर प्रति मीटर चुंबकन क्षेत्र, ये क्या दे रखा है, एच दे रखा है 10³, तो एच लिख लिया हमने, ए लिख लिया। यदि इसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को फाई के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो फाई बराबर 4 × 10⁻⁴ वेबर। तो पदार्थ की पारगम्यता, पारगम्यता निकालना है, अपेक्षित पारगम्यता निकालना है, मतलब हमें म्यू निकालना है और म्यू आर निकालना है और चुंबक की प्रवृत्ति काई निकालनी है, तीन चीजें पूछी है और तीन ही वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है ना। तो देखिए
पदार्थ की पारगम्यता म्यू ज्ञात करने के लिए एच तो हमें दे रखा है, लेकिन अगर हमें बी पता लग जाए तो म्यू एच और बी में संबंध होता है, म्यू एच और बी में रिलेशन होता है ना, तो हमें बी पता करना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र पता करने के लिए हमारे पास में फाई दे रखा है और ए दे रखा है, और हमारे पास में सूत्र है फाई बराबर बी डॉट ए, फ्लक्स की परिभाषा से, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से हमने पढ़ा था। तो फाई बराबर बी डॉट ए, तो यहाँ बी बराबर क्या जाएगा, फाई बटा ए, ए का भाग लगा दो नीचे, तो बी बराबर फाई अपॉन में ए। फाई की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁴, और ए की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁴, दोनों की वैल्यू सेम। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको हमने मीटर स्क्वायर में बदला है, ये कट जाएगा तो एक आ जाएगी इसकी वैल्यू, बी का मान कितना जाएगा एक। म्यू बराबर होता है बी बटा एच, पढ़ा था अपन ने पीछे, बी का मान एक है, एच का मान 10³ दे रखा है, ये 10³ पलक के ऊपर चला जाएगा तो 10³ - 3, ये म्यू का मान आ गया। अब म्यू आर निकालना है, अपेक्षित पारगम्यता, इसका सूत्र होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू का मान तो हमने निकाला है, म्यू नोट का मान जानते हैं 4π × 10⁻⁷, ठीक है, पाई की जगह पाई का वैल्यू लगा दो, और ये 10⁻⁷ पलट के ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, +7 और ये -3 तो 4 बचेगा, 4/4 × 10⁻³, तो उसको सरल कर लो, काट लो, और ये जाएगा 796, ये म्यू आर आ गया। अब काई में म्यू में भी रिलेशन होता है, ये भी अपन ने पढ़ा था, ये भिन्न चुंबकीय जो टर्म है, जो पद है, उनमें हमने रिलेशन पढ़ा था, ये पढ़ा था लास्ट में, ही आया था। तो काई बराबर म्यू आर माइनस वन, तो 796 में से एक हटा देंगे तो 795 आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों बातें दे रखी हैं, एक हमें बी चाहिए, बस बी निकाल लेंगे तो बाकी इन्हीं में आपस में रिलेशन है, तो वहाँ से सारे जो पद हैं वो निकल आएंगे। एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 0.05 मीटर, मतलब आर दे रखा है, स्मॉल आर बराबर लिख लो, फेरों की संख्या स्मॉल एम बराबर लिख लो, सो इसमें 0.1 एम्पीयर द्वारा प्रवाहित हो रही आई दे रखा है, तो ये स्मॉल आर, फेरों की संख्या एन, आई तथा इसमें 1.5 टेस्ला का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है, हमें बी दे रखा है। इसकी अक्ष के सापेक्ष 180 डिग्री घुमाने पर थीटा बराबर दे रखा है, कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, कुंडली का तल प्रारंभ में क्षेत्र के लंबवत है, इतनी चीजें हमें दे रखी है। हमें डब्लू पूछा है कार्य कितना करना पड़ेगा, तो हमें कार्य के लिए क्षेत्रफल चाहिएगा, कार्य ज्ञात करने के लिए तो पाई आर स्क्वायर होता है, कुंडली का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर में मान लगा दो, आर का मान हमें दे रखा है ऊपर 0.05 है, यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, इधर ये पॉइंट इधर है, पॉइंट यहाँ लगाना, ठीक है ना, 0.05 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे यहाँ तो है ही 0.05, ठीक है, इस पॉइंट को आप यहाँ लगा देना, ठीक है, तो यह जाएगा 25 × 10⁻⁴, तो 22/7 × 25 × 10⁻⁴, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास में क्षेत्रफल आ गया। अब चुंबकीय आघूर्ण, क्योंकि हमें W ज्ञात करने के लिए हमारे पास में कौन सा सूत्र है, MB cos θ1 − cos θ2, ये है ना फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले के लिए हमें M चाहिएगा, B का मान हमें दे रखा है, और M के मान के लिए NIA कितने फेरों की संख्या है, आई कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, तो एन का मान लिख दो, आई का मान लिख दो, और ए का मान लिख दो, ये तीनों वैल्यू आ गई, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो एम का मान आ गया, घूर्ण का मान आ गया। अब हमें डब्लू निकालना है, डब्लू के लिए MB sin θ. ये थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है। अच्छा, इसने क्या कहा कि जो थीटा की वैल्यू है 180 है, 180 डिग्री है, और पहले क्या कहा था, कुंडली का तल
प्रारंभ में क्षेत्र के लंबवत है, क्षेत्र अगर इधर है तो कुंडली यो रखी हुई है। देखिए कोई भी जब कुंडली को रखा जाता है तो उसमें किसी भी तल का जो क्षेत्रफल है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। ये जो कुंडली है ये इस प्रकार से रखी हुई है तो इसका क्षेत्रफल इधर है और बी भी इधर ही है। बी जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो इस कुंडली का क्षेत्रफल है दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो थीटा बराबर प्रारंभ में कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। और इसे घुमा कितना रहे हैं 180 डिग्री घुमा रहे हैं, मतलब इसको यूँ घुमा के और यूँ घुमा के पूरा यूँ करना है 180 डिग्री कोण पे घुमाना था, आधा चक्कर घुमा देना है इसको। बात समझ में आ गई ना? तो इसने देखो याद रखा है कुंडली का तल प्रारंभ में क्षेत्र के लंबवत है। कुंडली का तल, तल अपन बोलेंगे इसको, तल में और क्षेत्रफल में अंतर है, ये तो तल है ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल की दिशा होगी इसके ठीक लंबवत होगी। इसने कहा कि तल जो है वो क्षेत्र के लंबवत है तो यूं आएगा ये। अब इसकी दिशा देखो, क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी, क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, तो थीटा बराबर क्या जाएगा प्रारंभ में 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 से हमें कितना घुमाना है 180 घुमाना है, तो साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस होता है, तो माइनस को बाहर ले लिया, यहाँ कोस आ गया तो माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, दोनों की वैल्यू दे रखी है, कॉस 180 का मान माइनस 1 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। ये माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा और ये माइनस बाहर है तो प्लस 2 आ जाएगा। अब 2 गुणा एम का मान हमने ऊपर निकाला है, निकाला है ना, ये एम का मान यहाँ रख देंगे और बी का मान रख देंगे, बी का मान हमें दे रखा है ऊपर में निकाला है 1.5, ठीक है, और ये आ गया। अब जो 12वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये है एक कुंडली एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के रूप में है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है और कितनी है वो एल है। बी चुंबकीय क्षेत्र में लटकी हुई है, बी कुंडली के तल में है। अब देखो जो चुंबकीय क्षेत्र है अब तल में है, मतलब पहले तो तल के लंबवत था तो कुंडली ऐसे रखी हुई थी, अब ये तल में है ऐसे है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के तल में ये तल है पूरा, आगे समझ। यदि कुंडली में आई धारा प्रवाहित करने पर बल आपन तो लगे तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। ये बढ़िया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम समबाहु त्रिभुज की जो भुजा मानेंगे वो एल मान लेंगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में बी दे रखा है, अब बी में और ए में कितने डिग्री का कोण होगा बता सकते हो क्या? बी की दिशा तो इधर है, बी की दिशा इधर है, ठीक है, और कुंडली की दिशा इधर है, कुंडली की दिशा इधर है ऐसे, तो ये दोनों लंबवत हो गए ना, तो थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री। अब चूंकि कुंडली यूँ रखी हुई है, यूँ रखी हुई है तो इसका यापन इधर मान लीजिए कुंडली यूँ रखी हुई है तल में, इसका क्षेत्रफल क्या होगा इधर होगा, ऐसे होगा तल का क्षेत्रफल, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, दोनों परस्पर लंबवत हो गए ना, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आ गया समझ में, तल में और क्षेत्रफल की दिशा में अंतर होता है। विद्युत धारा I प्रवाहित हो ही रही है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, ठीक है, या आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान है, यहाँ से लंब डाल दो, और डायरेक्ट सूत्र भी होता है इसका, तो सीधे सूत्र से आप याद कर सकते हैं, या इस तरह से आप सीधा सूत्र अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरह से लंब डालिए और दो त्रिभुज बनाइए बराबर, ये बराबर के दो त्रिभुज बनेंगे, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर उसका डबल कर दो, उसका दो गुना कर दो। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, तो यहाँ से ये निकाल लो और ये निकालने के बाद में आप डायरेक्ट लगा सकते हो, या डायरेक्ट सूत्र है आधार गुना ऊंचाई, सीधा ही सूत्र है इसका संभव त्रिभुज का। और डायरेक्ट सूत्र अगर आपके याद नहीं है तो गलत मत करना, त्रिभुज का आयत का इस ये फॉर्मूले तो क्या हमेशा जनरली याद रहता है,
तो आप इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये पॉइंट है, ये मध्य बिंदु है, तो पूरी भुजा अगर एल है तो ये कितनी हो जाएगी, एल बटे दो ही आती है, ठीक है। ये कर्ण है और ये लंबा है, ये हमारे पास में आधार पता है एल बटे दो होता है, कर्ण एल है ही, तो आप ये निकाल सकते हो, लंब निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना लंब, तो यहाँ ये लंब आपको निकालना ही पड़ेगा। तो लंब में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, अंडर रूट तीन बटे दो एल निकल जाएगा। सीधी सीधी पाइथागोरस में लगा रखी है, अब आप ट्वेल्थ क्लास में हैं तो आपको ये तो आपके आठवें नंबर स्टैंडर्ड का है कि आधार लंब और कर्ण में एक चीज अगर नहीं पता तो आप उसे निकाल सकते हैं, ये तो छोटी सी बात है। तो ये अंडर रूट तीन बटे दो गुणा एल, ये आपने लंब निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब ये सीधा सूत्र लगा दो, एक बटा दो आधार एल बटे दो गुणा ऊंचाई अंडर रूट तीन बटे दो गुणा एल, और डबल क्यों कर दिया, क्योंकि दो त्रिभुज है, इस दो से ये वाला दो काट दो तो आधार गुणा ऊंचाई डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट तीन बटे चार और ये एल स्क्वायर, तो ये क्षेत्रफल निकला है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने के बाद में चूंकि ये एक ही घेरा है, एम का फॉर्मूला अपन ने भी क्या पढ़ा था, एन आई ए पढ़ा था ना, अब इसमें एक ही कुंडली बनी हुई है, एक कुंडली बनी हुई है, ऐसा नहीं कि हमने पांच दस लिपेटे लगा रखे हैं, एक ही राउंड लगाया, तो राउंड एक है तो कैपिटल एन का मान एक हो गया, कैपिटल एन का मान एक है तो यहाँ पर एन आई वाला फॉर्मूला लग जाएगा सीधा, एक एक घेरे वाली कुंडली के लिए, ए का मान लिख दो यहाँ पर अंडर रूट तीन बटे चार एन स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल का मान मैंने यहाँ पे आपको समझा ही दिया, ये मान आ गया। अब बलागुण, बलागुण का सूत्र क्या होता है, एम बी साइन थीटा, ये भी पढ़ा है ना अपन ने। अगर आपको विद्युत क्षेत्र वाले फॉर्मूले याद हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए आप आसानी से निकाल सकते हैं, वहां पी ई साइन थीटा अपन ने पढ़ा था, पी आगुण एम की जगह पी आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बी है वहां विद्युत क्षेत्र ई था, तो पी ई साइन थीटा, यहाँ एम बी साइन थीटा, एम की जगह एम का मान लगा दो बी का मान आ गया, और साइन थीटा का मान कितना है, नब्बे, क्योंकि क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र लंब होता है, साइन का मान एक होता है, और यहाँ से आप एल स्क्वायर निकाल लो, चार को ऊपर गुणा कर दो, अंडर रूट को नीचे ले आओ, और ये बी और आई, एल का मान ज्ञात करने के लिए अंडर रूट लगा दो सबका, पूरे का अंडर रूट, तो चार का तो दो आ जाएगा बाहर, और बाकी का पूरे का ये अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात एक बटा दो, ठीक है। या पूरा अंडर रूट का चिन्ह लगाना चाहते हैं तो आप अंडर रूट का चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो ये आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए, तो ये आपका आठवां चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आज जो अपन लेसन शुरू करेंगे वो बनेंगे तेरहवा। अब जो तेरहवा चौदहवा पंद्रहवा है ये लेसन छोटे हैं और आसान है, थ्योरेटिकल है और केमिस्ट्री से रिलेटेड है, कुछ कुछ परमाणु है ना भी क्या है, तो आप कुछ आपने पढ़ा भी है, छोटे क्लासों में भी पढ़ रखा है और आसान चैप्टर है, ठीक है। तो ये आठ जो चैप्टर हैं उनका आप रिविजन करते रहना, दोहराण करते रहना, और हम अभी शुरू करेंगे तेरहवा चैप्टर, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। कुछ वैज्ञानिकों के नाम आएंगे, कुछ पुरानी जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उसका हम वापस यहाँ थोड़ा रिविजन करेंगे, जो हम पहले से जानते हैं कुछ बातें। तो तेरहवा जो चैप्टर है वो अपन यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक पदार्थ, चालक अचालक और अर्धचालक, तीन प्रकार के मुख्यतः पदार्थ हैं, चालक अचालक और अर्धचालक। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन वो कभी भी अपने पृष्ठ को छोड़कर बाहर नहीं जाते, ये आप ध्यान रखोगे,
जो कुचालक है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, और जो अर्धचालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में होते हैं, और बाह्यतम कक्ष में संयोजी बैंड में होते हैं। जो लास्ट जो कक्षक है उसमें दो बैंड होते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड। इसके बारे में भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे 16वें चैप्टर में। चालक पदार्थ दोबारा आएगा, चालक अचालक अर्धचालक, और वो पूरा जो चैप्टर है 16वां लेसन जो है वो अर्धचालक का है, उसमें अपन डिटेल में ये बातें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से संयोजी बैंड और चालन बैंड होते हैं। तो अभी तक आप इतना ही जानिए कि जो चालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते हैं और वो पूरे पदार्थ में स्वतंत्रता पूर्व गति करते हैं, लेकिन वह अपने परमाणु को, वह अपने पृष्ठ को छोड़कर बाहर नहीं गति करते, बाहर नहीं निकलते। उनके पास में इतनी ऊर्जा नहीं रहती कि वो अपने परमाणु को, अपने पृष्ठ को छोड़कर बाहर चले जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो नाभिक जो पॉजिटिव आयन पॉजिटिव होता है उससे आकर्षण बल के द्वारा बंधी रहती हैं, तो वो पृष्ठ को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। वैसे पूरे पदार्थ में, पूरे परमाणु में वो घूम सकते हैं। तो यहाँ पर चालकता का गुणधर्म मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण पाया जाता है। चालकता मतलब विद्युत का चालन करना, विद्युत का चालन होता है ना चालकों में, तो विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन ही तो करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत का चालन आसानी से होता है। ठीक है, तो चालकता का गुणधर्म किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, जो संपूर्ण चालक में विचरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, पूरे चालक में घूम सकते हैं, परंतु नाभिक के कारण, नाभिक के आकर्षण बल के कारण ये बद्ध अवस्था में रहते हैं, अर्थात धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं जाते, पृष्ठ को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, वैसे पृष्ठ पर घूमते रहेंगे, पूरे उसमें पदार्थ में घूमते रहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि हमें उन इलेक्ट्रॉनों को जो चालक पदार्थ के अंदर है उन्हें हमें चालक पदार्थ के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए, उन्हें हमें मुक्त करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जितनी ऊर्जा हमें उन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने के लिए चाहिए जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, अपने पृष्ठ को छोड़कर बाहर निकल जाए, तो वो जो दी गई ऊर्जा है उसका एक नाम दे दिया, क्या? कार्य फलन। दोबारा सुनिए, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन वह पृष्ठ को छोड़कर बाहर नहीं निकलते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास में इतनी ऊर्जा नहीं रहती कि वो नाभिक का विरोध करके और बाहर चला जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और नाभिक पर धनावेश होता है, तो वह उस धनावेश के द्वारा बंधा रहता है और उस बंधन के कारण वो पृष्ठ को छोड़कर बाहर नहीं जाता। लेकिन हमें उसे अगर बाहर निकालना है तो हमें उसको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, और हम इलेक्ट्रॉन को केवल बाहर निकालने के लिए हम जितनी भी उसको ऊर्जा देंगे वह ऊर्जा किस नाम से जानी जाएगी? कार्य फलन के नाम से जानी जाती है। अर्थात तो उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? कार्य फलन W नॉट। ठीक है, तो कार्य फलन एक प्रकार की ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा? इलेक्ट्रॉन को उसके पृष्ठ से मुक्त करने के लिए दी गई ऊर्जा। तो कार्य फलन का केवल इतना ही काम है, क्या? कि चालक से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल, न कि गति प्रदान करो। गति प्रदान करने का काम कार्य फलन का नहीं है, वो तो केवल क्या करेगा? जो चालक परत की जो दहलीज है उस दहलीज को पार करवाएगा, केवल दहलीज से बाहर निकाल देगा। आगे की गति करने का काम कार्य फलन का नहीं है। समझ में आ गया? केवल कार्य फलन के द्वारा जो दी गई ऊर्जा है जिसको अपन कार्य फलन कहते हैं, वो केवल
इलेक्ट्रॉन को चालक के पृष्ठ से बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ किसी इलेक्ट्रॉन को उसके धातु पृष्ठ से मुक्त करवाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, धातु के पृष्ठ से मुक्त करवाने के लिए, धातु के पृष्ठ से निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्य फलन कहते हैं, जिसे हम W नॉट के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक निश्चित प्रकाश की जो किरण है वो पृष्ठ के ऊपर डाली जाती है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है जो पृष्ठ पर घूम रहे हैं वो उस प्रकाश की किरण से ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके वहां से निकल जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। मैंने 13वां चैप्टर आपको शुरू करवा दिया, इसको ध्यान से पढ़ें। जो बच्चे वीडियो डेली नहीं देख रहे वो आप डेली देखें, क्योंकि पीछे के चैप्टर तो ठीक है निकल गए, लेकिन अब भी अगर वो, कई बच्चों से मैंने बात की थी, कई बच्चे इधर उधर गए हुए हैं, कई बच्चे निहाल गए हुए हैं, तो ये इधर उधर घूमना बंद कर दो, अभी घूमने का टाइम नहीं है, एक जगह बैठकर और आपको स्टडी करनी चाहिए। कुछ बच्चे गांव में चले गए, कुछ बच्चों के मोबाइल खराब हो गए, तो ये जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको थोड़ा आप दूर करने की चेष्टा करें। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर आपके पास में दिन में मोबाइल नहीं रहता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी बाहर काम करते हैं तो वो मोबाइल अपने साथ ले जाते हैं और ले जाना भी चाहिए, तो उस दौरान आप उनके आने के बाद या उनके घर से निकलने के पहले जब वो घर पे रहते हैं उस समय आप उनके मोबाइल लेकर और अपना वीडियो देखें। ये विकट परिस्थिति है, मैं भी समझती हूँ कि बहुत मुश्किल होती है आपको, लेकिन जो भी परिस्थितियाँ बन रही हैं उसके अनुसार आपको ढलना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।